अच्छा करण, वो जो टॉप मैनेजमेंट, आपने ये भी बात कही कि टॉप मैनेजमेंट से आपकी बात नहीं कराई गई आपको टर्मिनेट करने से पहले, क्या अब तक भी आपकी बात हो पाई है? आई थिंक थ्री पीपल आर देयर, गौरव, रोमन एंड हिमेश, तो इनमें से नहीं मैम, किसी से भी आपकी बात हो पाई है? इनसे नहीं कभी भी मैम, आपकी पहली बात होती थी जब आप टीचर थे, या कभी आपके कैसे उनके साथ रिश्ते थे? रिश्ते अच्छे थे। जब काम करते हैं तो सबके रिश्ते अच्छे होते हैं, बट कुछ चीजें हो जाती हैं तो लोग दूर हो जाते हैं आपसे, दूरियां बना लेते हैं। और वो लिखा भी हुआ है, जब उन्होंने ट्वीट किया तो उन्होंने ये भी लिखा था कि हमें दूरी बनानी पड़ेगी, जरूरी है। ठीक है मैम, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ तो मुझे इंटरेस्ट वही, होता है। अब उसके बाद आपने भी अपने वीडियो में इसका जिक्र किया कि कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं, ये भी हाँ आरोप बिल्कुल, लग रहा है कि अनअकैडमी पहले भी प्रोपेगेंडा चला चुका है अपने टीचर्स के थ्रू, ठीक है, किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने का और किसी एक पार्टी के, तो इसके इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? व्हाट डू वो यू? वीडियोस मैंने वायरल नहीं की, वही है, कोई एक भीड़ है जो उस चीज को उठा के लेके आती है। हर प्रकार के लोग हैं मैम, दोनों साइड के लोग हैं, दोनों पक्ष होते हैं। आपको एंटी नेशनलिस्ट कहने वाले लोग, ये हजम नहीं हुआ, एंटी नेशनलिस्ट आपने अपने वीडियो में भी, आप ट्विटर पे जाके देख लीजिए, हम लिखा हुआ है काफी सारे लोगों ने अच्छा इनफैक्ट मेरी ट्विटर पे इंस्टाग्राम। भी, अच्छा एक और आरोप, मैं आपका ट्विटर स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने जब आपके लाइक सेक्शन में जाके देखा तो काफी सारे हाँ आपने ट्वीट्स लाइक कर रखे थे जो एक मानसिकता को दर्शाते हैं, मतलब एक तरफ के थे, उसमें कुछ मीम्स भी थे, उसमें कुछ पीएम मोदी भाषण दे रहे हैं तो उसपे कुछ मीम्स जो लोग बनाते हैं, ठीक है, तो उस तरीके के आपने लाइक्स कर रखे थे, तो मतलब हाँ, पर्सनली आप क्या सोचते हैं कि वो आपने सही सब, गलत, हाँ सही गलत मैम, सही गलत, सही गलत की बात होती है, पर्सनली कुछ भी नहीं है। जो चीज सही है उसके साथ मैं खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। तो मतलब उससे, तो जो मुझे उससे जब मैंने ट्वीट देखे तो उससे लगा कि आपका जो है झुकाव वो लेफ्ट की तरफ ज्यादा है, या आप, आपने आपने अभी क्या क्या मुझे लगा, वो आपको लगा ना मैम, हाँ, तो इसलिए मैं आपसे कंफर्म कर रही हूँ करण, इट्स योर इंटरप्रिटेशन। इसलिए मैं आपको हाँ बता रही हूँ कि मैं आपके पास गई तो मुझे लगा, तो आप उस चीज पे मुझे रिएक्शन दे सकते हैं। नहीं, मैंने बता दिया, सही गलत, सही के साथ हमेशा खड़ा हूँ। गलत जहाँ है मैं बोल रहा हूँ गलत है, ये चीज गलत है, हमेशा बोलूंगा मैम। ऐसा नहीं है कि जो भी है ठीक है उसके अगेंस्ट आप बोल सकते हो, सच है तो सच है, गलत है गलत है। एज ए लॉ स्टूडेंट मेरी जिम्मेवारी बनती है। आप करण, ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है पर फिर भी, आपकी मैम क्या इनकम थी जब आप अनअकैडमी में थे? और इसको मैं थोड़ा डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा अब क्योंकि आप, ये, आपने, ठीक है, इट्स अप टू यू, मुझे सिर्फ पूछना था। एंड सेकेंडली, अब आपने यूट्यूब चैनल, आपका पहले भी था पर इतने व्यूज नहीं आते थे, बट अब इस कंट्रोवर्सी के बाद आपकी ये जो नई वीडियो है और जो आपने 1 मिनट की वीडियो पब्लिश की थी वो बहुतों ने देखा है, तो आई थिंक आपके सब्सक्राइबर्स भी बहुत बढ़ गए हैं, तो अब क्या प्लान है, कब लोगों को, आपके स्टूडेंट्स को एक नई वीडियो देखने की मिलेगी और जब आप अपनी पढ़ाइयाँ जो है स्टूडेंट्स के साथ चालू करेंगे? आइए मैम, कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी हो जाए। कोशिश तो ये भी है कि आज रात को भी मैं एक सेशन लेके आऊँ बच्चों के लिए, जिसके अंदर मैं कुछ डिस्कस करूँ, क्योंकि काफी सारे एग्जाम्स अपकमिंग हैं अभी। मैं नहीं चाहता कि उनका कोई भी नुकसान हो। बच्चे अभी भी कॉल करते हैं कि सर कुछ ना कुछ करो, क्योंकि आप मुझे मिले भी हैं थोड़ा कुछ सा बच्चों से, आपके घर पर कुछ बच्चे आए हैं आपसे मिले? नहीं, घर पे तो मैम मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ क्योंकि पर्सनल चीजें मैं इंडल्स नहीं करता किसी चीज में। ऑनलाइन ही कनेक्ट होते हैं, फोन कॉल्स के थ्रू बच्चे मुझसे डायरेक्टली संपर्क कर लेते हैं, क्योंकि मेरा नंबर हर जगह पे, मैं हर स्टूडेंट को पर्सनली गाइड करता हूँ मैम। तो नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।